अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 5 को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जो कि हमारा आर्टिकल है 5.1, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है और ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है। तो इसमें डिस्कस करते हैं, हमारे पास आर्टिकल है 5.1, जो कि हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन की बात करते हैं। ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन जो जमीन की, अर्थ की जो फोर्स होती है, अर्थ की जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, दैट्स कॉल्ड ग्रेविटी। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास एक मार्कर है, अगर इसको मैं यहां से छोड़ दूं तो कहां जाएगा, नीचे गिर जाएगा, जमीन की तरफ गिर जाएगा। ये ऊपर क्यों नहीं जाएगा, राइट पे क्यों नहीं जाएगा, लेफ्ट पे क्यों नहीं जाएगा, ये जमीन की तरफ ही क्यों जाएगा? क्योंकि जमीन की एक फोर्स है, हर ऑब्जेक्ट को जमीन एक फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है चाहे वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है। जब तक वो ऑब्जेक्ट जमीन के ग्रेविटी के, जमीन के रीजन के अंदर है, तब तक फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर, अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करती रहेगी, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता रहेगा, ठीक हो गया, जिसको हम नाम देते हैं ग्रेविटी। ग्रेविटी की फोर्स है। अच्छा, ग्रेविटी का सबसे पहले आइडिया दिया था न्यूटन, आइजक न्यूटन था जिन्होंने ये आइडिया दिया था 1665 में। ये जैसा कि आपको स्टोरी का पता है कि सर आइजक न्यूटन एक गार्डन में बैठे थे, एप्पल ट्री के पास बैठे हुए थे, उनके माइंड में चल रहा था कि जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स हैं, ये सन के अराउंड क्यों घूमते हैं। वो जस्ट एक आइडिया सोच रहा था, क्यों घूमते हैं, ऐसा क्यों होता है कि सडनली एप्पल के ट्री से एक एप्पल गिरता है और वो जमीन की तरफ गिरता है, लेकिन ऊपर नहीं उड़ता, राइट को नहीं आता, लेफ्ट नहीं आता, बल्कि अर्थ के ऊपर गिरता है, जमीन की तरफ आता है। तो सडनली उनके माइंड में एक आइडिया आता है कि ये ऐसा क्यों है, कि अर्थ की तरफ ये क्यों गया है। तब उनके माइंड में बात है कि इसका मतलब है कि अर्थ में एक फोर्स है, अर्थ में कुवत है, अर्थ में एक ताकत है, अर्थ में कशिश है, जिसको नाम दिया गया ग्रेविटी का, कि अर्थ उस ग्रेविटी की वजह से हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, और उसको नाम दिया गया ग्रेविटी का। और वहां से उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी डिस्कवर किया, लॉ ऑफ ग्रेविटी। वहां से उन्होंने डिस्कवर किया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि ये एक ग्रेविटी का लॉ होता है। अब इस लॉ को उन्होंने मैथमेटिकली और फिजिकल दोनों तरीकों से प्रूव किया। तो उन्होंने कहा कि ये फोर्स हर दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में पाई जाती है, कोई से भी दो ऑब्जेक्ट जिनका एक मैस होता है, हर उन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान पाई जाती है। सपोज करते हैं कि उन्होंने कहा जी कि एक हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसका ये भी सेंटर है, इसका ये सेंटर है, इसका भी कुछ ना कुछ मैस है, इसको कहते हैं M1, इसका मैस है, इसको कहते हैं M2। अब ये जो फोर्स होती है, फोर्स ग्रेविटी की फोर्स होती है, अट्रैक्शन की फोर्स, याद रखना कि जो ग्रेविटी की फोर्स होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होती है, ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन होती है, इसमें रिपल्जन नहीं होती, याद रखना। ग्रेविटी की फोर्स अट्रैक्शन की फोर्स होती है, इसलिए अर्थ हर ऑब्जेक्ट को मतलब अट्रैक्ट करती है, रिपेल नहीं करती। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये हर ऑब्जेक्ट, हर मटेरियल के दरमियान पाई जाती है, और ये इनका जो सेंटर से इनकी जो फोर्स होती है वो एक्ट करती है, ठीक है। यानी कि जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर से मेजर किया जाता है। तो अब देखें, एक रेडियस ये है हमारे पास, एक रेडियस ये है, तो इसलिए हम कहते हैं डिस्टेंस तो आर से, इसको रेडियस है तो हम इसको आर से लिखेंगे, लेकिन चूंकि बुक में इसको डी से लिखा हुआ है, इसको हम डी कहेंगे, और डी स्क्वायर, एक ये वाला डिस्टेंस, एक ये वाला डिस्टेंस, तो डिस्टेंस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि जो फोर्स है ये हर ऑब्जेक्ट के दरमियान में पाई जाती है, फर्क सिर्फ, अब देखिए दो में मेरे पास दो मार्कर है, ये फोर्स अट्रैक्शन की फोर्स है, इन दोनों के दरमियान में भी है, लेकिन फील क्यों नहीं होती। रीजन ये है कि इन दोनों का मैस बहुत कम है, क्यों, क्योंकि ये जो फोर्स है ये डिपेंड करती है, ये चीज ये याद रखना, ये डिपेंड करती है दो चीजों पर, एक प्रोडक्ट ऑफ मैस, ठीक है, और दूसरा डिपेंड करती है ये डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट
या मैसेज एक ही बात है, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स या मैसेज के दरमियान में जो डिस्टेंस है उस पर डिपेंड करती है। मतलब प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। अब इन दोनों का मैस बहुत कम है, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई हुआ था जो न्यूटन ने ग्रेविटी का लॉ निकाला था, ये अर्थ और एप्पल के दरमियान में था। अर्थ चूंकि बहुत बड़ी है और एप्पल बहुत छोटा है, और एप्पल का जो मैस है वो इससे ज्यादा है, इसका मैस तो एप्पल से भी कम है, ठीक है। इसलिए इन दोनों के दरमियान फोर्स है हमें फील नहीं हो रही, ठीक है। अगर हम अर्थ के अर्थ को और इसको देखें फिर हमें फील होगी कि अर्थ की फोर्स ज्यादा है। चले जी, ठीक है, दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहले न्यूटन ने कहा कि जो फोर्स होती होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों ऑब्जेक्ट के मैसेज के, प्रोडक्ट के, ठीक है, M1 और M2। अब इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास कोई से दो फोर्स होते, कोई से दो मैस होते हैं, सपोज करते हैं मैं बात कर लेता हूं जी, एग्जांपल से ले लेते हैं, M1 हमारे पास है जी 5 kg और M2 हमारे पास है जी 3 kg, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा 15। अब एक और केस लेते हैं जिसमें हमारे पास M1 2 है और M2 जो है वो 3 है। अब हमारे पास आ रहा प्रोडक्ट इसका 6, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किन दो मैसेज के दरमियान में ज्यादा होगी, 1 वाले केस में, 2 वाले केस में, 1 वाले केस में। क्यों? क्योंकि 1 वाले केस में दो मैसेज का जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बन रहा है, तो प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, वही हमने कहा प्रोडक्ट ऑफ मैस, प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ज्यादा होगी, इसलिए जो फोर्स है वो मैस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक हो गया। तो इसको हम कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। Directly proportional to product of masses. Product of masses. ठीक हो गया, इसको कहा गया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा उन्होंने कहा कि यही जो फोर्स होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के दरमियान में डिस्टेंस के। अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है, देखिए हम ये कर लेते हैं कि एक हमारे पास है जी, ये एक मैन है, एक मैन है, ठीक है, दूसरा ये खड़ा है। सपोज दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है जी वो 5 meter का है। ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 2 पर आ जाए, एक मैन है दूसरा ये मैन है। अब इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है सपोज वो 20 meter का है, सपोज कर लेते हैं। अब किस केस में दो बंदों की जो कम्युनिकेशन होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, केस 1 में केस 2 में? ऑफ कोर्स केस 1 में। क्यों? क्योंकि केस 1 में दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम है, जबकि केस 2 में डिस्टेंस ज्यादा है तो कम्युनिकेशन कम हो जाएगी। तो इसमें जो इसमें कम्युनिकेशन ज्यादा होगी, अपवर्ड मतलब ज्यादा होगी, और इसमें कम्युनिकेशन जो होगी वो कम होगी। डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है, कम्युनिकेशन ज्यादा है, कम ज्यादा, कम ज्यादा, एक चीज कम है दूसरी ज्यादा है। इस पर आ जाए, डिस्टेंस ज्यादा है कम्युनिकेशन कम है, ज्यादा कम ज्यादा कम, तो ये भी उसके उल्ट हो रहा है ना, एक चीज ज्यादा हो रही है दूसरी चीज कम हो रही है, उल्ट हो रहा है, एक चीज कम है दूसरी चीज ज्यादा हो रही है, उल्ट हो रहा है। तो ऐसा केस जिसमें दो चीजें उल्टी हो जा रही हो उसको हम बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्होंने भी ये कहा था कि जो फोर्स होती है वही फोर्स होगी वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए रेशियो लगाते हैं, इसको हम कहते हैं फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन मैसेज, ठीक है, मैसेज के दरमियान में जो डिस्टेंस का स्क्वायर उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कोई नंबर 2, क्लियर। दोनों को ज्वाइन किया, फोर्स प्रोपोर्शनल M1 M2 और साथ में 1/d², इसको अगेन रीअरेंज किया, M1 M2 डिवाइड बाय d². एक चीज याद रखें, ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है इसको खत्म करने के लिए दो चीजें यूज की जाती है, एक इक्वल और
दूसरा कांस्टेंट, ठीक है, दूसरा कांस्टेंट यू कहता है। अब इसमें इसको जरा दोबारा देखें, एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शन को खत्म किया, एक इक्वल लगा लिया, दूसरा कांस्टेंट, कांस्टेंट जिसमें यूज किया हुआ है सारा वो कैपिटल जी है, m1 m2 डिवाइड बाय डी स्क्वायर, ठीक हो गया। ये हमारे पास था फाइनल फॉर्मूला लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। अब इसमें इसकी जरा चेंज इसके देखते हैं, ये है क्या क्या, इसमें जो जी है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जी इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू मैं बताती है 6.673 क्रॉस 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और जो एम वन है वो तो हमारे पास वही मैस है, एम टू भी मैस है, और डी इज अ डिस्टेंस है। अब जो जी की वैल्यू है 6.673 क्रॉस 10 पर माइनस 11, ये हर प्लैनेट के लिए, हर जो है वो प्लैनेट के लिए ये सेम रहती है, कैपिटल जी की वैल्यू है। अर्थ पे अगर हम बात करें तो अर्थ की भी यही वैल्यू होगी क्योंकि ये कांस्टेंट है। मून की बात करें तो उसके लिए भी यही वैल्यू होगी। हम मार्स की बात करें तो उसके, मतलब जिस प्लैनेट की बात करें उसमें जो जी की वैल्यू होगी ये कांस्टेंट रहेगी। ये अच्छा, ये तो हमारे पास वैल्यू है ये वाली, तो ये फार्मूला ये साथ में कैसे आया, तो इसी को पकड़ लेते हैं, एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू डिवाइड बाय डी स्क्वायर। तो हमने चूंकि जी निकालना है तो डी डिवाइड हो रहा है इस तरफ लें, तो बन जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय डी स्क्वायर, और ये एम वन एम टू जो है ये जी का मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर ये डिवाइड हो जाएगा, एम वन एम टू इज इक्वल टू कैपिटल जी। तो ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट हमारे पास आ जाएगा न्यूटन, ये डी डी द डिस्टेंस, डिस्टेंस स्क्वायर है, तो डिस्टेंस का हमारे पास होता है मीटर, और ये मीटर स्क्वायर क्योंकि डिस्टेंस स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर भी होगा। ये है एम वन और एम टू, एम वन इज अ मास, एम टू ऑल्सो इज अ मास, तो एम वन का यूनिट होगा के जी, तो एम टू का भी यूनिट होगा के जी, तो दोनों के जी मल्टीप्लाई के जी इज इक्वल टू के जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी, ठीक हो गया। तो ये जी का यूनिट हमारे पास ये आएगा, तो जी की वैल्यू हमारे पास 6.673 क्रॉस 10 पर माइनस 11, और साथ में यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, ठीक हो। इसके साथ नेक्स्ट देखें, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी कंपेयर किया गया। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कैसे कंपेयर किया गया, देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ ग्रेविटी, दोनों जब हम कंपेयर करेंगे कैसे। देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटी कहता है कि हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर सपोज के मैं ये बात कर लेता हूं, ये मैस ए है और ये मैस बी है, तो जो मैस ए है वो बी को अट्रैक्ट करेगा, जो बी है वो ए को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, थर्ड लॉ मैंने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एक्शन और रिएक्शन होता है जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। तो ये ऐसे नहीं हो रहा, देखिए मैं यहां पर अर्थ बना लेता हूं, सपोज करते हैं ये मेरे पास अर्थ है, इसका सेंटर है, और एक ऑब्जेक्ट हमने ये रखा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास है एम वन, ये हमारे पास है अर्थ का मैस, या इसको हम कह देते हैं जी मेरे पास जी ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। अब देखें लॉ ऑफ ग्रेविटी ये कहता है कि अर्थ जो है इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है और ये ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, ये कहता है ना लॉ ऑफ ग्रेविटी के हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचते हैं। ये है लॉ ऑफ ग्रेविटी, अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी और ये ऑब्जेक्ट अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन फोर्स उसकी ज्यादा होगी, इसका मास ज्यादा होगा, अर्थ का मास ज्यादा इसलिए उसकी फोर्स ज्यादा फील होती है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी यही कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगा, दूसरा बी पहले वाले को अपनी तरफ खींचेगा। इसमें सपोज करते जो ए है, जो फोर्स है ए, ए इज एक्शन, अगर ए जो है एक्शन ऑन बी, अगर ए जो है वो बी पर एक्शन कर रहा है, तो जो बी होगा इज रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऑन बी, रिएक्शन ऑन ए। तो इस तरह जितना ए एक्शन करेगा उतना बी रिएक्शन करेगा,
एक दूसरे के ऊपर। तो इसी तरह इन दोनों के कंपैरिजन में आता है कि जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है और लॉ ऑफ ग्रेविटी है, ये ऑलमोस्ट एक ही चीजें हैं, दोनों दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सो ये था आज का हमारा न्यूटन, जिसमें हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी को डिस्कस किया है और साथ में लॉ ऑफ ग्रेविटी और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को कंपेयर किया है। अगर इससे रिलेवेंट क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।